सारे दोस्तों को उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा टीवी चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आजकल पाकिस्तान में जो हैकर्स की तरफ से जो काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट्स है, जो इनके इंटरनेट सिस्टम जो होता है बैंकिंग का, उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे भी तकरीबन 2 दिन से इसके मेरे अकाउंट के ऊपर अटेम्प्ट हो रहे हैं और इसको कोई उसको हैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे मैसेजेस उसके आ रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर हम लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल जाए और उसको हम फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट लॉगिन आईडी करते हैं तो आपको एक SMS आता है, उसी तरह के मुझे SMS आ रहे हैं। हालांकि मैंने इस तरह लॉगिन आईडी या पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसका मतलब कि कोई उसको जो है ना मतलब हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हेल्पलाइन पे भी फ़ोन किया और मैंने कल भी किया था फ़ोन, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आज फिर मुझे मैसेजेस आए, मैं आपको मैसेजेस भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, लॉगिन आईडी हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट फॉर फॉरगेट लॉगिन आईडी हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। हालांकि मैंने फॉरगेट आईडी नहीं किया, मुझे ज़रूरत है क्योंकि मुझे तो याद था। तो ये कोई इस तरह इसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन मुझे आज HBL के हेल्पलाइन से बकायदा उसके सेम नंबर से मुझे फ़ोन आया, जस्ट उसमें 1 0 ज़्यादा था, बाकी सेम नंबर था। शुरू में 0021 था और वो जो एक्चुअल नंबर है वो 021 है कराची का, लेकिन इसके साथ 0021, लेकिन नाम HBL हेल्पलाइन का ही आ रहा था। तो वो मुझसे यही पूछ रहा था कि मतलब नेशनल बैंक की तरफ से आपकी जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो कार्ड है, वो लॉक हो चुका है, तो आपको नया हम प्रोवाइड करेंगे, आप पुराने वाला जो है ना सिस्टम के साथ मैच करें इस तरह। ताकि वो मुझे तो पता था कि कभी भी आपको किसी भी बैंक के हेल्पलाइन से आपको इनकमिंग कॉल नहीं आ सकती। आप आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं उस पर, लेकिन इनकमिंग कॉल आपको कभी नहीं आएगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप जितने जो भी बंदे ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर कभी इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और या अगर फ़ोन आ जाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर मैसेजेस अगर आ रहे हैं, कोई अटेम्प्ट कर रहा है आपके आईडी को या पासवर्ड को रीसेट करने की, तो काइंडली उससे अपने जो इंटरनेट बैंक सिस्टम है वो कुछ दिन के लिए उसको मख़र कर दे, उसको डीएक्टिवेट कर दे, और बाद में जाके दोबारा उसको नई आईडी वगैरह ये चीज़ें बना दें। और फाइनली मुझे अपना जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ा इसी वजह से। तो वीडियो इसीलिए शेयर की कि आप किसी का नुकसान ना हो। अक्सर बंदे ऐसे हैं बेचारे जो इनको नहीं पता, अगर उसको हेल्पलाइन के नंबर से मतलब अदर नंबर से फ़ोन आ जाए फिर तो चलो बंदा समझ जाता है, लेकिन अगर सेम उसी नंबर से हेल्पलाइन के नंबर से फ़ोन आ जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए उसको पहचानना। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।